अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम इमरान असलम, यू आर वाचिंग गुरु स्किल चैनल। आज आपको मुतलका दिए गए टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि गुरु स्किल के आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। गुरु स्किल्स के नए टॉपिक के साथ क्लास का आगाज करते हैं। जैसे कि टाइटल में भी आपको बताया गया कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करते हुए हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम फॉर्मेट मेथड इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट मेथड जो भी आपको रिज़ल्ट है उस पे हम फॉर्मेटिंग करके आपको आउटपुट प्रॉपरली प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे। फॉर्मेट मेथड जो है ये आपकी जो सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग है उसको फॉर्मेटिंग के लिए अलाउ करेगा। और कुछ जगह पे कुछ टेक्स्ट ऐसे होंगे कि जहाँ पे ये फॉर्मेटिंग नहीं भी होगी, वो आपको आगे फर्दर बताया जाएगा कि कौन कौन से टेक्स्ट ऐसे हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं होगी और ये डेटाबेस और यूज़र इनपुट रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उन पे फॉर्मेट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इनको फॉर्मेटिंग को हैंडल इस तरह की जो डेटाबेसेस और यूज़र इनपुट रिलेटेड फॉर्मेटिंग होगी उसके लिए हम प्लेस होल्डर यानी कि आम जबान में जिसको कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है या बोला जाता है उसको हम ऐड करेंगे और फॉर्मेट मेथड के ज़रिए ये सब हम परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें परफॉर्म करके दिखाएंगे जिससे स्टेप बाय स्टेप आप मज़ीद इन चीज़ों को अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक प्राइस है जिसको हम प्लेस होल्डर की मदद से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या सिंटैक्स यूज़ होगा, कैसे वो हम परफॉर्म करेंगे उसके सिंटैक्स के हवाले से। सबसे एक प्राइस है कोई वेरिएबल, उसका 99 वैल्यू होगी। एक टेक्स्ट है हमारे पास जिसमें द प्राइस इज, अब यहाँ पे ये देखें कि फॉर्मेटिंग के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल की है डॉलर्स। अब नेक्स्ट करेंगे प्रिंट, टेक्स्ट आ गई हमारी और फॉर्मेट हमारा होगा प्राइस। द प्राइस इज़ $99, यानी कि जो आपने प्लेस होल्डर इस्तेमाल किया है इनसाइड आपका जो कर्ली ब्रैकेट्स है वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दिया आपने कहाँ आपने वैल्यू कन्वर्ट करवानी है। द प्राइस इज़ कर्ली ब्रैकेट्स प्लेस होल्डर डॉलर्स और आपने प्रिंट में देखे फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट हमारी वही आगे डॉट फॉर्मेट प्राइस और हमारा जो प्राइस है वो हमारी प्लेस होल्डर वाली जगह पे डिस्प्ले हो चुके थे। प्राइस इज प्लेस होल्डर और हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर आ गया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो हमारी प्राइस है उसको फॉर्मेटिंग किया जाए और उसको डेसिमल जो हैं उसकी कम अज़ कम उस हवाले से डिस्प्ले करवाया जाए। तो कितने डेसिमल और क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए उसके थोड़े से पैरामीटर हम सेट कर लेते हैं, जैसे कि प्राइस वही हमारा 99, टैक्स द प्राइस इज़ जहाँ पे हम
उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, थ्री जो हमारे उसके पॉइंट्स हैं वो शो होने चाहिए, डॉलर, और प्रिंट करवा देंगे टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट प्राइस। अब वो प्लेस होल्डर में हमने उसको बतला दिए कि हमारा जो थ्री डिजिट्स है आफ्टर मेन आपकी जो वैल्यू हो उसमें आपके थ्री डेसिमल तक आपकी प्राइस डिस्प्ले हो। इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। अब ये देखें ना, प्राइस इज 99.000 यानी कि थ्री डेसिमल वैल्यू आपको उसने फॉर्मेटिंग करके दे दी है। नेक्स्ट आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यू ऐड हो तो उसमें जस्ट आपने फॉर्मेट मेथड में एक से ज़्यादा वैल्यू को ऐड कर देना है। उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और इस तरह हम मोर प्लेस होल्डर्स को भी ऐड करेंगे अपने प्रिंट आउट के लिए। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास तो क्वांटिटी है 10, उसके बाद आइटम्स हैं 5 और उनकी प्राइस है 100। अब मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा अपने प्रिंट में वैल्यू ऐड करूं और उसके लिए प्लेस होल्डर यूज़ करूंगा मोर देन वन। माई ऑर्डर आई ऑलवेज वांट, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस ऑर्डर जो कि आपकी क्वांटिटी उसको डिस्प्ले फर्स्ट को करवाएगी, नेक्स्ट क्वांटिटी पीसीज ऑफ आइटम, नेक्स्ट आपका प्लेस होल्डर आ जाएगा जो कि नेक्स्ट आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। और हम चाह रहे हैं कि थ्री डिजिट हमारी थ्री डेसिमल पॉइंट शो हो और डॉलर। अब जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट माई ऑर्डर और यहाँ फॉर्मेट जिसमें हम क्वांटिटी आइटम चाहिए, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली मोर देन वन वैल्यू को इसमें ऐड किया है प्लेस होल्डर और आपको फॉर्मेटिंग करते हुए आउटपुट प्रिंट करवा दी है। तो इस तरह मोर देन वन वैल्यू आप प्रिंट करवा सकते हैं फॉर्मेटिंग करते हुए। नेक्स्ट हम इंडेक्स नंबर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इस तरह आप कर्ली ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर देते हुए तो करेक्ट प्लेस होल्डर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल कंटिन्यू वही करेंगे जो लास्ट हमने किया है, जस्ट उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे ताकि आपको इजीली प्रीवियस सिंटैक्स से सीखने का मौका मिले। अब क्वांटिटी वही थी, प्राइस आपकी माय ऑर्डर वही आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ज़ीरो इंडेक्स है, आइटम ऑफ वन इंडेक्स आ गया और ये आपका टू इंडेक्स आ गया। अब ये देखें, ये आपके इंडेक्स क्वांटिटी ज़ीरो पे थी और आइटम्स आपके वन और प्राइस आपकी टू इंडेक्स पे था। अब सेम वही आपका रिजल्ट
यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमने जस्ट इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए तो आउटपुट प्रिंट आउट करवा दी है। तो अक्सर आपके जहन में आ रहा होगा कि इंडेक्स नंबर क्यों इस्तेमाल होता है। इंडेक्स नंबर क्योंकि अक्सर अवकात ऐसा होता है कि कुछ सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि मोर देन वन, कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाती हैं जो सेम होती हैं, तो फिर उसमें आपको इंडेक्स नंबर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो आपकी वैल्यू है वो प्रॉपर आउटपुट आ सके और किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो सके। अब नेक्स्ट नेम इंडेक्स होता है। नेम इंडेक्स भी आप करवा सकते हैं, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट्स में आप कोई नेम दे दें तो आपको फिर कुछ पैरामीटर में उसका नेम देना पड़ेगा प्रिंट आउट करवाने के। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे कि माई ऑर्डर आई हैव अ बाइक नेम ये देखिए यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को। प्रिंट माय ऑर्डर फॉर्मेट करवाएंगे बाय नेम होंडा और मॉडल आपका 2080। ये देखें आपकी आई हैव ए होंडा इट इज अ 2018, वो आपकी नेम को उसने आपने कर्ली ब्रैकेट्स में नेम इंडेक्स किया है तो उसने उसका नेम आपको डिस्प्ले करवा दिया है। इस तरह प्रैक्टिकली आप चीज़ों को फर्दर परफॉर्म करके देखें वन बाय वन स्टेप, तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को डीपली अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे और किसी भी किस्म की क्यूरी के हवाले से कोई इब्राम हो तो उसको ज़रूर आप कमेंट्स में दर्ज कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपकी क्यूरी को डीपली डिस्कस किया जाए और आपको बताया जा सके। उम्मीद है आज का टॉपिक और हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए कमेंट करें, आपके फीडबैक को तरजीह दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।